इस वक्त लिंकन स्क्वायर पे वॉक कर रहा हूँ। अब्राहम लिंकन का यहाँ पे एक स्टैचू है। एक अच्छी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर आपको आजादी राय कहा था। रैंगलर फील्ड यहाँ का बड़ा फेमस बेसबॉल स्टेडियम, उसके बाहर हूँ। कॉम्पैक्ट हाउस है जो जिसमें बेसमेंट और 1+2 बेडरूम और 1+3 बेडरूम की कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। देखिए, इसे कहते हैं ब्रांडिंग, शर्ट्स कैप सब ब्रांड होता है। इसको कहते हैं कि हाउ टू मेक अ मनी। मैं इस वक्त लेक मिशिगन पे हूँ, ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ड्यून्स है। मैं हार्ले डेविडसन में बैठा हूँ, फील ही अलग है इसकी। क्या बात है, क्या यार, सुपर। क्लिप रोड भी ऐसे होने चाहिए हमारे यहाँ, तो W11 वाले मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अदील खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने जिसका नाम है लाइफ इन अमेरिका, जिसमें मैं आपको अमेरिका की मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर कराऊंगा। उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि अमेरिका में आपने किस तरह आना है, क्या तरीक़ेकार हैं, कितनी इमिग्रेशन की टाइप्स हैं, और लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी रिगार्डिंग इमिग्रेशन वो आपसे शेयर करूँगा। फ्री आने के बाद क्या क्या आपकी ज़रूरियात हैं, किस तरीके से आप यहाँ रहते हैं, घर कैसे लेते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको यहाँ पर वो प्रोफेशन बताऊँ जो प्रोफेशन इतने कॉमन नहीं है और उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो इसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी बात है, कर लिया तो बेल का आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग शिकागो में। मैं इस वक्त लिंकन स्क्वायर पे वॉक कर रहा हूँ लिंकन एवेन्यू के साथ। इब्राहिम लिंकन का यहाँ पे एक स्टैचू है जो उसका मॉन्यूमेंट है मेन, और ये स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको फूड मिलता है, यहाँ पे फैशन डिजाइनर्स हैं, और ये रात में यहाँ की रौनक तो बहुत ही ऑसम होती है। ऑगस्टस सेंट नामी स्कल्पचर आर्टिस्ट था जिसने ये स्कल्पचर इब्राहिम लिंकन का बनाया था। बहुत स्टेट ऑफ आर्ट है। अगर आप यहाँ आएँ और आने के बाद इस स्टैचू से स्ट्रेट वॉक स्टार्ट करें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी, आज का एक बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत अच्छा सन निकला हुआ है। टेम्परेचर अभी इस वक्त तक तो बहुत रिजनेबल है, लेकिन अगले एक घंटे के बाद फिर ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन लिंकन स्क्वायर पे यहाँ वॉक करना, अगर आप यहाँ पर शिकागो आएँ तो लिंकन स्क्वायर को मिस ना कीजिएगा। तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर अच्छा वॉक थ्रू है, यहाँ पर अच्छे आपको शॉपिंग सेंटर मिलते हैं, कॉफ़ी शॉप बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। बहुत से लोगों ने मुझसे सवालात किए और कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स पे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किए कि अदील भाई कि शिकागो रहने के लिए कैसा। शिकागो रहने के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है, क्योंकि एशियंस बहुत हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन रजिस्टर्ड एशियंस कम्युनिटी यहाँ रह रही, और फिर यहाँ पे हलाल फूड का इशू नहीं है, यहाँ पे मसाजिद भी अच्छी हैं। एक अच्छी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर आपको आज़ादी राय का हक है। चलिए मैं दिखाता हूँ जो चार चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की आपके लिए, कौन कौन सी एरिया हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लाइफ इन अमेरिका की डिटेल वीडियोज़ मिलती रहे। देखिए, इस तरीके से यहाँ घर बने होते हैं। घर ये कॉम्पैक्ट हाउस है जो जिसमें बेसमेंट और 1+2 बेडरूम और 1+3 बेडरूम की कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। ये आप देखें, इस वक्त हम जो वॉक कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लेक शोर की तरफ, और ये एक छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया है। मैंने कहा आपको दिखा दूं, ये सामने पार्किंग है और ये इतना रोड है। हमारे रोड इनसे बड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून नहीं है। यहाँ रोड छोटे हैं पर कानून की वजह से कोई इशू नहीं है। और रेंट बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर। यहाँ पर तकरीबन 2,500-3,000 तक का आपको 3 बेड का एक घर मिलता है, जो कि शिकागो अमरीका के एक्सपेंसिव तरीन अकोमोडेशन वाले शहरों में है। लेकिन ये कैथलिक चर्च है। इस मुल्क में हर मज़हब को आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि एक अजीब अजीब बातें हमारे मुल्क में मंसूब हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत सी बातें करते हैं, तो और जो लोग बातें करते हैं, यकीन जाने वो उनकी ख्वाहिश है कि उनको वीज़ा मिल जाए अमेरिका का और पूरी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाए, और फतवे अजीबोगरीब दे रहे होते हैं। तो ये कैथलिक चर्च से मैं गुजर रहा हूँ, संडे है, लोग यहाँ पे अपने इबादत के लिए आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँगा मस्जिदें माशाल्लाह यहाँ पर कैसी, वो फुल हैं, बच्चे बड़े नौजवान बूढ़े सब मस्जिदों में होते हैं। तरीके से जो इबादत हैं, हिंदू बरदरी के अपने गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आपको आज़ादी राय का भी पूरा हक है। हमारी तरह नहीं है कि आपने साईं के कुत्ते को भी कुछ कह दिया ना तो साईं छोड़ेंगे नहीं आपको। बट माई पॉइंट, देखें, ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रीट क्लीनिंग का टाइम है। यहाँ पे जब
जो टाइम जोन है इस वक्त अगर आप स्ट्रीट क्लीनिंग करनी होती है तो इस वक्त यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। दोस्तों मैं इस वक्त यहाँ के कब्रिस्तान से ग्रेवयार्ड जो यहाँ पर कब्रिस्तान है शिकागो में बिल्कुल मिड में वहाँ वॉक कर रहा हूँ। ये कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है, हमारे यहाँ तो कैजम के मज़ार पर भी लोग डेटें मार लेते हैं। ये कब्रिस्तान है और देखें कितना डेवलप वेल मेंटेन रखा हुआ है। आप ये देखें कि मतलब यहाँ पे नो डाउट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है इसकी, यहाँ पे मैयत का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन आप देखें किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो ये है डेवलप मुल्क की डेवलप कंट्रीज और डेवलप लोग और डेवलप सोचें। ये अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर और अपार्टमेंट्स का रेंट यहाँ पर आपको वन बेड का अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन आपको पड़ता है 1500 से 2000, डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर। अगर डाउनटाउन में डेफिनेटली बहुत महंगा है। कोशिश कीजिए कि जो ग्राउंड का अपार्टमेंट कभी ना लें, बहुत लोग परेशान होते हैं ग्राउंड अपार्टमेंट में, खासतौर पर जैसे अपार्टमेंट है सारे। अभी जिस एरिया में पहुंचा हूं यहां पे शिकागो में, यहां थिएटर्स हैं, यहां पे बार्स हैं, यहां की नाइट लाइफ बहुत डिफरेंट है। मौका मिले जरूर दिखाऊँगा मैं आपको। तो और मैं भी आपको लेके चलता हूँ यहाँ के सबसे फेमस बेसबॉल। बेसबॉल शिकागो का मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है, तो मैं आपको लेके चलूँगा। अभी आपको दिखाता हूँ कि हम पहुँचे उस स्टेडियम में जो यहाँ का बहुत मशहूर स्टेडियम है। देखिए हर स्टेडियम के पास इस तरह की शॉप है, फैन क्लब शॉप, जहाँ से आप बाइंग करते हैं स्वीनियर्स। देखिए इसे कहते हैं ब्रांडिंग, कि आप बेसबॉल का ना सिर्फ स्टेडियम में टिकट सेल करते हैं, आप प्लेयर एक पूरा ब्रांड है। उसके पास कुछ कंसल्टेंसीज हैं, तमाम लोग हैं जिसको उसकी ब्रांडिंग होती है, शर्ट्स कैप्स सब ब्रांड होता है, हर किसी की ब्रांडिंग है, बट इनकी हर स्वीनियर बिकता है। इसको कहते हैं कि हाउ टू मेक अ मनी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना एक्सपेंसिव किस्म का ये यहाँ पे शिकागो बुल्स, शिकागो कप्स सबकी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, तमाम डिटेल उनके कैप्स हैं, उनके सीनियर है, बहुत बड़ा स्टोर है ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ। प्लेयर्स के नेम पे टी शर्ट्स, बहुत बड़ा मार्केट है ये। देखिए इसके साथ वर्ल्ड सीरीज पेंस भी दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरा मतलब कि आप जो हैट परचेज करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इसके स्कैनिंग स्कैन करने पर कभी आपको यहाँ पर उसका टिकट मिलेगा, कभी ऑस्ट्रेलियन मिलेगा, क्योंकि ये पूरे पूरे सीजन परचेज करते हैं जो उसके जो फैंस हैं। देखिए इस वक्त मैं रैंगलर फील्ड यहाँ का बड़ा फेमस जो है बेसबॉल स्टेडियम उसके बाहर हूँ। अंदर तो जब बेसबॉल का मैच होगा डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही मशहूर यहाँ का, एक तो बेसबॉल वैसे मशहूर है आप यहाँ का, और शिकागो का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। तो यहाँ पे इस वक्त जो है एक छोटा सा जो कार्निवल लगा हुआ है, एक इवेंट है और संडे है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखें आप देख सकते हैं बच्चे फैमिलीज। बेसिकली रैंगलर जो वर्ड है, रैंगलर का मीन है कि वो लोग जो घोड़ों जंगली घोड़ों को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। वेस्टर्न मूवीज़ में आपने ये वर्ड बहुत यूज़ सुना होगा और ये बेसिकली जर्मन वर्ड से इंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये रैंगलर फील्ड बेसिकली स्टेडियम का नाम है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। बेसबॉल स्टेडियम मेरे यहाँ पे स्टेडियम बंद है, मौका मिला ज़रूर कोई ना कोई मैच दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। इस हार्ले डेविडसन के अंदर बाकायदा स्टीरियो है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप क्या स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ है पूरा, आप देख रहे हैं क्या हार्ले डेविडसन देख रहे हैं आप सूरत। मैं हार्ले डेविडसन में बैठा हूँ, फील ही अलग है इसकी, क्या बात है, क्या यार सुपर। इसके लिए रोड भी ऐसे होने चाहिए, हमारे यहाँ तो W11 वाले मार देंगे क्या बात। को दिखाऊंगा या होमलेस भी लोग हैं, ये देखिए होमलेस लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनको दिखाऊंगा। हाय, ये जो आप देख रहे हैं पतझड़ का महीना है और ये पत्ते गिरे हुए हैं, ये भी आपने साफ करने हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। मतलब बाकायदा गवर्नमेंट आती है लेकिन आपके घर के सामने के पत्ते आपने साफ करने हैं, यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जो लोग समझते हैं ना याशी लग रही है, अयाशी तो मेहनत करना, मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई मजाका नहीं है। बर्फ़ भी पड़ेगी तो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन लेक शोर के सामने ये शिकागो में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स, यहाँ का जो रेंट है वो तकरीबन 4000 $4,500 है
ये सिर्फ रेंट अपार्टमेंट का, इसके अलावा इसमें हीटिंग और अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो एलीट क्लास इस वक्त रहती है लेक शोर के सामने, और एक बहुत एक्सपेंसिव, आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत पीसफुल काम, बहुत पीस एंड काम एरिया है ये। जो मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना, मज़ा आने वाला है आपको। एक दुनिया की खूबसूरत लेकों में से एक लेक है ये मिशिगन लेक। क्या खूबसूरत लेक है यार, खूबसूरत नो डाउट। आप ये देखिए, वो हसीन, आप ये देखिए पूरी मिशिगन लेक देखिए आप। ओहो, आपसे लास्ट व्लॉग में मैंने ग्रेट शिकागो फायर का वाकया शेयर किया था, जो कि अक्टूबर 18, 1871 में हुआ था। याद देखिएगा, उसके 2 साल के बाद शिकागो पूरी तरह दोबारा डेवलप हुआ, और अब जो आप नया शिकागो देख रहे हैं, उस फायर की वजह से पूरा शिकागो तबाह हो गया था, और ये डेवलपमेंट मॉडर्न है। इसलिए शिकागो में इतनी हाई क्लास स्काई स्क्राइपर्स हैं, शिकागो के म्यूज़ियम बहुत मशहूर हैं, शिकागो का जो आर्किटेक्चर है वो इसकी शान है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर तकरीबन 45 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं। ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो के रजिस्टर्ड हैं, जिनके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं, और पता नहीं कितने मिलियन ऐसे लोग होंगे जो के अनरजिस्टर्ड हैं, जो इलीगल्स हैं। अगर आप बात करते हैं शिकागो की, तो शिकागो में 1.7 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं। ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो कि ऑफिशियल तरीके से रह रहे हैं, या जिनका स्टेटस चेंज हो चुका है। और जिनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वो तो लाखों में हैं यहाँ पे। इस मुल्क की अच्छाई ये है कि ये सबको अकोमोडेट करता है, ये मुल्क सबको वेलकम करता है। जो लोग यहाँ पे इलीगल्स भी आके रहते हैं, तो उनको धक्के दे के निकाला नहीं जाता। मैं उस वक्त लेक मिशिगन पे हूँ, और ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ड्यून्स है, और यहाँ के स्पेसिफिक जो इसकी विंड है और जो इसकी वेव्स हैं, उसकी एक मतलब इसकी एक अलग साइंस है। और मोर देन 40 मिलियन पीपल का पीने का पानी यहाँ से जाता है, कैनेडा और अमेरिका को, सबको ये कवर करता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। आप देखें, आप ये देखें कितना नीट एंड क्लीन पानी, कोई गंदगी नहीं, किसी ने कोई रैपर नहीं फेंका हुआ। लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, किसी ने कोई सिगरेट नहीं फेंका हुआ, कोई पान की पीक नहीं है, मेनपुरी गुटखा नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं, ये है सफाई। ये शऊर हमें होना चाहिए। गवर्नमेंट की हर चीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपने मुल्क को साफ़ रखें। ये आप देखें, लिंकन पार्क शिकागो में वॉक कर रहा हूँ। यहाँ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मस्त हैं हर आदमी। आप देखिए, हर आदमी अपनी धुन में मस्त है, कोई किसी के भी काम में पंगा नहीं करता, ना टांग नहीं अड़ाता। ये क्वालिटी है इन लोगों की। बहुत ह्यूज पार्क है, ये रोड के दोनों एंड पे है, मतलब एक एक इसका एक जो इसकी टेल है वो आपकी मिशिगन लेक लेक ऑफ मिशिगन लेक मिशिगन के साथ है, और एक इसका रोड के सेंड पे बहुत बड़ा उसको बस जो उन्होंने डिवाइड किया है अंडरग्राउंड। देखें ये ऊपर इसके ट्रैफिक चल रहा है फुल हैवी, और ये आप आ गए अदर साइड पे। जी बस मैं इस टनल से बाहर आ गया, अब मैं इसके अदर दूसरे एंड पर आ गया हूँ, और यहाँ पे भी आपकी लेक का वाटर इधर भी आ रहा है, बहुत खूबसूरत। और वैसे भी आज बहुत अच्छा सनी डे है, टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है कभी कम होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर सब चेंज होना शुरू हो गया है। ये स्टैचू बना हुआ है मास्टर माइंड ऑफ द जर्मन पीपल, जर्मन ऑफ शिकागो, 1993 में स्टैचू। ये कब्रिस्तान की सफाई जो हो रही है, इसको देख के आपको भी अजीब लग रहा होगा और मुझे भी अजीब लग रहा है। हमारे यहाँ तो घरों की सफाई नहीं होती, रोडों की सफाई नहीं होती, कब्रिस्तान की सफाई हो रही है। देखें यहाँ पे पेट्रोल का रेट 3.67 पर गैलन है। आप कैश पे लेते हैं तो 10 सेंट का बेनिफिट, अगर कार्ड पे लेते हैं तो आपको जो है ना ज़्यादा 10 सेंट ज़्यादा देने पड़ेंगे। देख रहे हैं आप, पेट्रोल को यहाँ गैस कहते हैं, पेट्रोल को ही नहीं कहता, डीजल को डीजल कहते हैं पर पेट्रोल को ही गैस कहते हैं। और यहाँ पे हर स्टेट में फ्लक्चुएशन है प्राइस की, वहाँ के टैक्सेस डिफरेंट हैं। तो शिकागो का रेट मैंने बताया आपको, ये रेट शिकागो का है इस वक्त। मज़ा आए,
कराची से हैं और यहाँ पे माशाल्लाह मुझे मिले हैं पाक स्वीट्स पे। पाक स्वीट पे आया उस वक्त चाय पीने बंद, कराची बंद कबाब खाने के लिए, और यहाँ पे लूँगा इनके मोतीचूर लड्डू। कराची बंद कबाब, इसके अंदर जो फिलिंग है पूरी बंस रोड वाली, बंस रोड बंद कबाब भी, इसके साथ एक छोटी सी चटनी दी है साथ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। संजू भाई इंडिया से हमारे। संजू भाई वाह, क्या हाल है? बस ठीक है। आपकी हमारी चाय आ गई, लोग चाय पहुँच गई। ये आपका देखा आपने, इसको लगाया हमने, इस पर डाली, ओए 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 ओए, देख रहे हैं आप? मज़ा आ गया। देखिए चाय के लिए, चाय दूध पत्ती होती है भाई, देख रहे हैं ये मोतीचूर लड्डू, वो देख रहे हैं क्या बात है इसकी, हाय हाय हाय। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और मैंने बहुत डिटेल कंटेंट की। अभी वीडियोस आने बाकी हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, रेंटल बैंगलोर घर के हवाले से, और मुख्तलिफ और कंटेंट आने, कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं शेयर करूंगा यहाँ के लोगों की, जो यहाँ पे आए और कैसे उन्होंने टफ टाइम देखा और वो कैसे सेट हो गए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया। अब्दुल खान, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।